गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आज हम लिए चलते हैं आपको नाबार्ड के द्वारा स्थापित जो हमारा ठीकरिया जो खंडेला सीकर में जो स्थापित ग्रामीण हाट है उसमें ये ऑन हाईवे के पास में स्थित है और साथ में नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से इसको बनाया गया है। अर्पण सेवा संस्थान के जो स्टाफ है उनके साथ आज हम यहाँ पर हैं और हमें उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। अलग अलग तरीके से यहाँ जो 40 जो स्टॉल्स की व्यवस्था की गई है, दो फेज में इसको बनाया गया है। चबूतरे के ऊपर प्रॉपर तरीके से मार्किंग की गई है और ये शेड जो बना हुआ है बिल्कुल एक तरह से खुला आराम से चारों तरफ से इसमें पाथवे बनाया गया है कि जो भी कोई व्यक्ति इन आर्टिजन से खरीदने के लिए यहाँ ग्रामीण में हाट में आए तो उनको सुव्यवस्थित तरीके से खरीदने में आसानी हो। पाथवे बनाया गया है, साथ में बीच में प्लांटेशन की गई है और कुछ वर्ष बाद इसका एक मनमोहक दृश्य और भी बेटर तरीके का दिखेगा क्योंकि जो पौधे लगाए गए हैं वो एक बड़े होने के बाद इसकी जो लुक है वो हरियाली भरी रहने के साथ साथ एक आदर्श रूप में दिखाई देगी। अलग अलग तरीके से शौचालय की व्यवस्था की गई है महिला और पुरुषों की। अगर आर्टिजन अपने साथ सामान लेके आते हैं तो उनको रखने के लिए भी स्टोर रूम की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर गीले और सूखे कचरे के लिए भी अलग अलग तरीके के दो जो टैंक बनाए गए हैं जिससे कि उनको सुव्यवस्थित तरीके से अलग अलग गीले और सूखे कचरे को व्यवस्थित किया जा सके। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इनके स्टाफ के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया कि वर्षा जल को संचय करने के लिए इन्होंने टीन सेट के साथ में एक प्रॉपर एक लाइन बनाई जिसमें कि इस रो के साथ में पानी जो वर्षा का जल है वो स्ट्रक्चर जब पानी ऊपर से टीन से ढलकर इसमें आने के बाद पाइप के माध्यम से ये नीचे की ओर आएगा और एक इन्होंने सोखता गड्ढा बनाया है जिसमें इन सभी पाइपों के जो पॉइंट्स हैं उनको ले जाकर छोड़ा गया है जिससे कि बरसात के जल को पूरी तरह से संचित किया जा सके। तो आज हमने इस ग्रामीण हाट के ऊपर इन सब चीजों को देखा और जाना, तो आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जब भी कभी आप लोगों को समय मिले तो यहाँ पर आकर आप जरूर इसे देखें। नमस्कार दोस्तों, हम गांववाणी स्टूडियो के एक विशेष कार्यक्रम रविवार विशेष में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आज हम ग्रामीण हाट ठिकरिया में हैं जो सीकर से ऑन हाईवे के ऊपर स्थित है और हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे गांववाणी स्टूडियो के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि सर ये जो ग्रामीण हाट है जो नाबार्ड की तरफ से यहाँ पर स्थापित किया गया है तो मैं जानना चाहूंगा कि सर इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और किस प्रकार इस ग्रामीण हाट से लोगों को बेनिफिट होगा। जरूर सर, मैं धन्यवाद देता हूं नाबार्ड को जिन्होंने इतनी बढ़िया परियोजना बनाई है। ये बहुउद्देश्य परियोजना के लिए है। ये जो गांव है ठिकरिया गांव है, ये करीबन आसपास के 15 गांवों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के जो लोकल जो काम करने वाले हैं, जो जैसे कि बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, कोई ऑर्गेनिक सब्जी पैदा करता है, उनको मार्केट नहीं मिलता है। तो नाबार्ड का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके गाँव के अंदर ही उनको मार्केट मिल गया। इसमें टोटल इन दोनों के अंदर 40 दुकानें हैं। 40 दुकानों में आसपास के जितने भी जो फार्मर हैं वो अपने उत्पाद बेच सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक गेहूं को तैयार कर रहा है तो उनको एक मार्केट मिल गया कि यहाँ 15 गांवों का जुड़ाव है एक साथ, यहाँ वो अपनी वो गेहूं बेच सकता है। तो ये जो मेन जो फायदा है वो किसानों को डायरेक्टली ये मिल गया कि उनको बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं, उनके गाँव में ही उनके लिए एक बाजार बन गया है। बिल्कुल सर, और जो आपने इसका स्ट्रक्चर जो बनाया उसमें हमें वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा एक जो तरीका आपने यहाँ पर आजमाया वो हमें अच्छा लगा। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने ये आइडिया कहाँ से लिया और इसे इंप्लीमेंट करने के पीछे क्या उद्देश्य था आपका? जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ये था सर कि स्टार्टिंग हमने रखा ये इसमें जो प्रोजेक्ट था इसमें ये नहीं था कि पानी को बचाना है कुछ है, टिन सेट से डायरेक्ट नीचे गिरने का था। लेकिन फिर हमने दिमाग लगाया कि पानी को वेस्ट नहीं बहाना है, हमें पानी को बचाना है और हमने एक सोखता गड्ढा पास में करके उसमें इसको पानी को छोड़ दिया ताकि जो यहाँ का जल स्तर है वो भी ऊपर आए। नजदीक एक कुआ है, वो करने के बाद एक दो बारिश आई उसी उस कुएं का जल स्तर है वो भी बिल्कुल जरूर बढ़ा है। बिल्कुल सर, साथ में आपने सुरक्षा के उपायों के लिए भी सूखा कचरा और गीला कचरा जो है उसको अलग अलग व्यवस्थित करने की व्यवस्था की है। साथ में आपने जो पुरुष और महिलाओं के लिए शौचालय की भी सेपरेट व्यवस्था की है। यहाँ एक पार्टिकुलर पूरा एक स्टोर रूम भी आप लोगों ने बनाया है और इतनी अच्छी आपने प्लांटेशन भी की हुई है। तो हमारी तरफ से तो हार्दिक बधाई आपको और आपके संस्थान को कि ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आपने इतना सुनहरा एक अवसर प्रदान किया है। हम एक आपका संदेश चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से कि जो ये ग्रामीण हाट बना है इसके माध्यम से आप क्या संदेश लोगों तक हमारे इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से देना चाहेंगे सर?
बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे पहले आपने बताया कि आपने लेडीज और जेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग बाथरूम की व्यवस्था की है, क्योंकि जो हाट लगता है तो हाट में महिलाएं भी आएंगी, जेंट्स भी रहेंगे। ज्यादातर सार्वजनिक जगहों में क्या होता है कि महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए हमने अलग अलग से पार्टीशन किया। दूसरी बात आपने बताया कि गीला कचरा और सूखा कचरा, यहाँ के अगर वो सब्जियां वगैरह लेके आएंगे तो उनका जो कचरा वेस्ट होगा वो वेस्ट भी एक गीला कचरा के अंदर वेस्ट अलग से डाला जाए और सूखा कचरा वो अलग से डाला जाए। और मेरा संदेश यही है कि इस टाइप के जो नाबार्ड जो बना रहा है ग्रामीण हाट, वो बिल्कुल हर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक ऐसा होना चाहिए जहाँ को फार्मर को मार्केट ढूंढने की जरूरत ना पड़े, उनको नजदीक उसका मार्केट मिल जाए। बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल जी।